दोस्तों, ये एल्बम येसु नमो नमो भक्ति स्तुति का एक सुरीला संग्रह है। इन स्तुतियों के माध्यम से हम प्रभु येसु की वंदना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। जीवन भर हम भूल करते रहते हैं, जाने अनजाने, इसलिए ये जरूरी है कि हम प्रभु येसु के सामने नतमस्तक होकर अपनी भूलों के लिए पश्चाताप करें और मन और आत्मा को पवित्र बनाएं, ताकि प्रभु के गुणगान गा सके। मडालैंड के जेम्स लोबो और फादर रमेश डिसूजा बिशप थॉमस डाबरे के बहुत ही करीबी मित्र हैं। ये एल्बम येसु नमो नमो वसई के माननीय बिशप डॉक्टर थॉमस डाबरे को समर्पित है। बिशप डॉक्टर थॉमस डाबरे ने वसई में एक लंबे समय तक लोगों की सेवा की और वसई में बहुत अच्छा कार्य किया और लोगों में प्रभु के प्रति ज्ञान जगाया। वसई वासी बिशप डाबरे की सेवाओं को कभी भूल नहीं सकते। मृदुभाषी, सरल स्वभाव, हृदय के कोमल, बच्चों, वृद्धों और महिलाओं के प्रति स्नेह भाव रखने वाले बिशप डाबरे। इस एल्बम येसु नमो नमो के माध्यम से हम प्रभु येसु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बिशप डाबरे को स्वस्थ रखें और उन्हें दीर्घायु करें, ताकि वो जहां भी रहें मानव समाज की सेवा करते रहें और ईश्वर के नाम का प्रचार प्रसार करते रहें। ये एल्बम येसु नमो नमो हम उनके चरणों में पूरे भक्ति भाव से समर्पित करते हैं। येसु नमो नमो इस एल्बम में आप जितनी भक्ति रचनाएं सुनेंगे, उसके रचयिता और गायक हैं फादर रमेश डिसूजा। बड़े ही हृदय से और भक्ति भावना से उन्होंने ये भजन गाकर इस एल्बम में संग्रहित करके बिशप डाबरे को अपनी भावांजलि प्रस्तुत की है। येसु, तू महान है, तेरा नाम महान है, तेरे नाम में शक्ति है, तेरे नाम में भक्ति है, तेरे नाम में सुंदरता है। तू लीन नम्र होकर इस धरती पर आया और जन्म लिया गोशाली में। येसु, तेरा शरीर हमारा खाद्य है, तेरा लहू हमारा पेय है। तूने सभी जनों को सहारा दिया, दलितों को संभाला। तूने अंधे, बधिर, अंगू, मूक सबको चंगा किया। हम तन मन से तेरी स्तुति, आराधना, भक्ति करते हैं। हे क्रिस्त, तेरा नाम पावन पावन है। तू हमारे जीवन की रोटी है, तू हमारे जीवन का प्रकाश है, तू हमारा मेंढपाल है, तू मार्ग, सत्य और जीवन है, तू हमारा पुनरुत्थान और जीवन है। तू सारे जगत का एक गुरु, एक स्वामी, अंतर्यामी, सृजनहार, पालनहार, तारणहार है। तू सारे जगत का आधार है। येसु, तू सबसे महान है, तू सबसे ऊंचा है। हम तेरी पूजा अर्चना हर दिन निसदिन करते हैं। तू क्षमाशील है, तू सभी जन को क्षमा करता है। तू हमारा जीवन दाता, तू ही हमारा भाग्य विदाता, कर्ता कर्मिता है। हे येसु, तू सबसे न्यारा है, सबसे प्यारा है। हे येसु, हम हर दिन हर पल तेरा गुणगान करेंगे और हम तेरे भजन गाते रहेंगे। हे येसु, तू हमेशा सबसे प्यार करता है और प्यार ही तेरा सुख संदेश है। तेरी दया माया शीतल है, हम तेरा गुणगान सदा सर्वदा गाते हैं। हे येसु, तेरे नाम से हमें मुक्ति मिलती है।
which is the man of the day, Father Denis Gogyan. Sarva Dharma Guru, Sarva Sisters, Murugami Samuhasati Vishesh Karyarat Asnari Apni Samaj Karak Samiti Abhinti Che Sarva Sarasat Acha Karyakrama Che Sarva Sanyojak Ani Gardhanyata Mahan Asnari Amchi Gas Karma Kamati Sarva Amche Lok Ani Ha Karyakrama Che वसई धर्मग्रंथातून वेगवेगळ्या धर्मग्रामातून या ठिकाणी हजर असलेल्या माझ्या हजारो बंधू भगिनींना सुरुवातीलाच आनंद व्यक्त करतोय की ह्या कार्यक्रमासाठी तुम्ही सर्व उन्हाळा असताना ऊन पार असताना देखील जगात धर्मग्रामामध्ये आज जो कार्यक्रम आपण घेत आहोत त्यासाठी जमलेले आहात. मी तुम्हा सर्वांचे त्याबद्दल आभार मानतोय. ईश्वराचं कार्य करण्यासाठी तुम्ही त्रास सहन करून त्याग करून या ठिकाणी आलेले आहात, त्याबद्दल ईश्वर तुम्हाला आशीर्वाद देवो अशी मी प्रार्थना करतोय. त्याचप्रमाणे माझा असा भरोसा आहे, नक्की माझा विश्वास असतो नेहमी ऑलवेज दिली की ईश्वराच्या कार्यासाठी ईश्वराच्या गौरवासाठी आणि आमच्या लोकांच्या भल्यासाठी जे जे कार्यक्रम आम्ही घेत असतो त्या सर्व कार्यक्रमाला आमचे लोक नेहमी चांगला प्रतिसाद देत असतात. आपल्या या धर्मग्रामात धर्म प्रांतात लोकांच्या भल्यासाठी नुसतं कार्यक्रम म्हणून नाही, नुसतं प्रकल्प म्हणून नाहीये. दुसऱ्यांनी केलंय फादर डेनिस म्हणाले लॅटिन अमेरिका परदेशात म्हणून केवळ नाही तर या पीसीसी मुळे आमचा समाज विकासाच्या मार्गावर आणणार आहे. या पीसीसी मुळे आमचा समाज भरभक्कम आणि बळकट होणार आहे. गरीब कष्टकऱ्यांचा समाज अनेक शतके आमच्या लोकांनी हातात कष्टात पिछाडीमध्ये दिवस आहे. महत्वाचं आहे प्रिय आणि प्रेमळ बंधू भगिनींना तिच्याचं कार्य समाजाच्या प्रगतीसाठी आणि या कार्यामध्ये कोणी अडचण निर्माण करू शकत नाही आणि कसल्याही अडचणाला भीका केली जाणार नाही. Thank you.
Thank you.